बनाएंगे, इसके अलावा बनाएंगे मुर्ग मुसलम पुलाव बिरयानी कल्ला। अच्छा जी, इसकी मैरिनेशन करेंगे हम, मैरिनेशन जो है करेंगे उसके बाद हम पुलाव इसका अलग से बनाएंगे। तो एक काम करते हैं, इसको पहले तो हम यहाँ रखते हैं और इसकी मैरिनेशन जो है उसके लिए हम एक अदद बोल ले लेते हैं। हमने ऑलरेडी भी कुछ किया हुआ है इसको ना, इसमें हमने थोड़ा सा कचरी पाउडर लगा के रखा हुआ है। इसकी वजह ये है कि इससे ज़रा अच्छी गलावट हो जाती है, तो इस पर कचरी पाउडर जो है वो लगा के रखती है। ठीक है, कचरी पाउडर इसमें 1 टीस्पून आप 1.5 टीस्पून भी ले सकते हैं, लेकिन फिर टाइमिंग्स का ख्याल रखिएगा। ये मैंने 1 टीस्पून लिया था और तकरीबन ये 2 घंटे से लगी रखी है, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट बेहतरीन आएगा। अब हम यहाँ पर अपनी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ले लेते हैं हम, जिसकी मैरिनेशन में यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए होगी जनाब ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये गया इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून आप ले सकते हैं। इसके बाद आप इसमें शामिल करेंगे ये फ्राई की हुई पिसी हुई प्याज, ये है मेरे पास, एक बड़े साइज़ की प्याज लीजिएगा, फ्राई कीजिएगा, उसको पीस लीजिएगा। इसके अलावा जाएगा इसमें दही, दही जाएगा इसमें तकरीबन 1/2 कप, 2-1/8 चम्मच ज़्यादा भी चला जाए तो कोई इशू नहीं रहे। ठीक है जी, ये चला गया इसके अंदर। और अब क्या जाएगा, अब हम डालेंगे इसमें अपने नॉर्मल नमक मिर्च मसाले। नमक डाला हुआ है वैसे हमने 1/2 टीस्पून, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून और डालेंगे। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टीस्पून डालेंगे, सब टू यू के कितना डालना चाहते हैं। 1/4 टीस्पून हल्दी का चला गया, बहुत ही शानदार सा ये मुर्ग मसलम तैयार होगा। पिसा हुआ गरम मसाला ये गया तकरीबन 1 टीस्पून, जायफल और जावित्री का पाउडर ये गया इसमें 1/2 टीस्पून, और ये है यहाँ पर केवड़ा एसेंस, ये हम डालेंगे इसमें तकरीबन, ये आपने देख लिया, ये चंद कतरे यानी तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। सही जी, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, ये सारी चिकन के ऊपर ये मसाला लगा देंगे। ठीक है ना, तो ये काम हम ब्रेक में कर लेंगे क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, तो इसको हम ब्रेक टाइम में करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी टांगों को यहाँ से बांधेंगे और बांधने के बाद हम इसको, अच्छा सॉरी, इसमें 2 टेबल स्पून हम डालेंगे फौजी सुप्रीम बनास्पति, फौजी बनास्पति, फौजी बनास्पति जो कि है वीटीएफ बनास्पति, मैं स्पून लेकर आ रही हूँ आपने। जी जी नहीं, अच्छा। नहीं मैंने नहीं निकाला। अच्छा आपको मतलब मेरी एफिशिएंसी पे मैं, आप देखें मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता था, मैंने कहा कर ही लिया होगा, मैंने नहीं किया, मैंने कर ही नहीं। काफी है हाँ, ये देखें फौजी बनास्पति वीटीएफ बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार होता है ये। और इसके साथ साथ चाहे आप फौजी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें तो 45 देख लेंगे। अच्छा एक काम करेंगे, अच्छा इस पर कट नहीं लगाने, कट क्यों नहीं लगाएंगे ये मैं आपको ब्रेक से आने के बाद बताऊंगी कि उसका क्या तरीकेकार होता है। हमने इसको सिर्फ फॉक से ब्रेक कर लिया था, ये मसाला जो है इसी तरह से हम इस पर पूरा लगाएंगे और लगा के इसको अगर आप ओवरनाइट छोड़ दें हाँ। तो बेहतरीन रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली हम यहाँ पे जल्दी लगाएंगे। ठीक है ठीक है, ऐसा तो नहीं हम कल बना रहे हैं, हम अभी ही बनाएंगे। अच्छा जी ये देखिए जी, मैंने इसमें रख दिया। अच्छा इसमें थोड़ा सा हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डालेंगे, अभी डालिएगा बेटे, हालांकि हमने मैरिनेशन में बनास्पति थोड़ा सा डाला था, वो तो अंदर तक जज्ब हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हम और डालेंगे इसमें, तकरीबन 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर और ऐड करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। आप देख सकते हैं इंपोर्टेड प्रीमियम क्वालिटी। अगर हम चरगा बनाते हैं या कोई इंग्लिश रोस्ट बनाते हैं उसमें हम कट्स लगाते हैं, तो मुर्गे मसलम जो होता है वो साबित होता है, उसको सिर्फ हम प्रिक करते हैं और प्रिक करने के बाद उसको मैरिनेट करके हम पूरी रात के लिए छोड़ देते हैं। आप देखिए इसमें तमाम वो मसाले के जो कि नॉर्मली हम घरों में सालन बनाते वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, बेहतरीन बनेगा। अच्छा ये हो रहा है, इसको थोड़ा सा मज़ीद मैं इसको हल्का सा आगे पीछे करूँगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, डालेंगे इसमें पानी थोड़ा सा, और पानी डाल के हम इसको कुक होने के लिए छोड़ देंगे इतना कि ये गल जाए। फिर हम क्या करेंगे, ऑन एंड ऑफ इसको हम थोड़ा सा आगे पीछे करते रहेंगे ताकि मसाला अच्छे से चारों तरफ आ जाए। अब ये मैं डालने जा रही हूँ इसमें पानी, और ये पानी जाएगा तकरीबन इसमें नहीं नहीं ज़्यादा डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी डालेंगे इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास इतनी मैरिनेशन नहीं थी, मैं इसको 1.5 कप पानी डाल के कुक करूँगी। राइस ज़रा अच्छे खुले पकेंगे इसके अंदर ना। अच्छा जी अब हमें एक स्पून चाहिए, चल ये आ गया मेरे पास स्पून। इससे मैं डालूँगी यहाँ पर प्याज, ठीक है, एक बड़े साइज़ की आप प्याज ले सकते हैं। उसमें डालेंगे हम ये साबुत गरम मसाला जो सारा मिक्स था। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे फौजी बनास्पति, जी जनाब। अच्छा अब इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें भी हमने
ऑयल का और वनस्पति दोनों का हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन राइस के हिसाब से मैं इसमें तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगी। अच्छे राइस शाइनी से बनने चाहिए। ये हो गया, जैसे ही ये हो जाएगा तो इसमें क्या कुछ डालेंगे ये आपको बताते हैं। राइस है हमारे पास हाफ के जी जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए। इसके अलावा अभी इसको खोलेगा बेटा जी, किसी भी ब्रांड का अच्छा सा आप ले सकते हैं पुलाव बिरयानी मसाला जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, वो भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, और दही, दही है तकरीबन आधा कप, ठीक है ना। जब आप पुलाव बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसमें आप दही डालते हैं क्योंकि प्याज पड़ती है तो उससे एक मिठास पैदा होती है, तो हम उसको किल करने के लिए क्या डालते हैं उसके अंदर शामिल करते हैं थोड़ा सा दही, तो बहुत ही शानदार सा हमारा बन जाता है पुलाव। अब ये देख सकते हैं आपके कितना अच्छा सा हो सकता है कि अब नेक्स्ट ब्रेक पे जब आप आएँ तो इस चूल्हे में ना हो, हम इसको कहीं और शिफ्ट कर दें क्योंकि हमें अपनी दूसरी रेसिपी भी बनानी होगी ना। तो दिखा देते हैं, ये देखें इस तरह से ये पक रही है, ठीक है। इसको हम पकने देते हैं और इसको थोड़ी देर के बाद मैं पलट लूँगी। अभी प्याज को है ना, प्याज को कलर देंगे, चलो थोड़ा सा कलर जाएगा इसमें ना, कलर से मिला दीजिए, इसको ब्राउन कलर देंगे। अच्छा, खुशबू के लिए इसमें हम शामिल करें जायफल और जावेती का पाउडर। बहुत सारे लोग मुझसे जायफल जावेती बार बार पूछते हैं कि जायफल और जावेती किस तरह से अच्छी बन सकती है। जायफल जावेती और छोटी इलायची कॉम्बिनेशन ये होता है, अगर आधा कप आपके पास जावेती है तो दो जैसे छाले की तरह से होता है, आपने जायफल ली उसको आप तोड़िए, तोड़ने के बाद आप एक छिलका बारीक सा होगा उसको निकाल दीजिए, फिर इसको कूटें वो डाल दीजिए, 6 से 7 आप उसमें बल्कि 7-8 आप लीजिए छोटी इलायची, दोनों तीनों चीज़ों को मिला के पीस लें, फिर आप देखिए इसका रिजल्ट कितना बेहतरीन आता है। अभी बेटे मुझे एक स्पून देंगे आप। तो जायफल जावेती कभी भी अलग अलग आपने यानी कि दो चीज़ों को नहीं मिलाना, सच छोटी इलायची का एक कॉम्बिनेशन होता है जो आपने लाजमी उसके अंदर डालना है, ठीक है, क्योंकि उससे खुशबू अच्छी आती है। चलो ये हो रही है, जैसे ही हो जाएगा और ये हम यहाँ पर चूल्हा स्लो कर देते हैं, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करती हूँ क्योंकि टाइम हमारा बच जाएगा, इस तरह से प्याज को थोड़ा सा कलर आएगा, उसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे। अच्छा। जैसे कि ये जायफल जावेती का पाउडर, ये चला गया, क्या ब्रेक आ रहा है? नहीं, मैं सुनने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? अदरक कॉल है। अच्छा, हाँ। अदरक और लहसुन, ये चला गया, और डालेंगे इसके अंदर हम ये पुलाव बिरयानी मसाला, कोई भी ब्रांड अच्छा सा आप ले सकते हैं, 1.5 टेबल स्पून में चूँकि भर के डाल रही हूँ, वरना आप 2 भी डाल सकते हैं। ये चला गया, ये जैसे ही प्याज का कलर आएगा तो ये मैं इसके अंदर शामिल करके थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे और डालेंगे इसमें चिकन स्टॉक। पुलाव को चूँकि मुझे कलर देना है अच्छा सा हल्का सा, तो इसको हम प्याज को थोड़ा सा ज़रूर इसको कलर देंगे, तो बिल्कुल ये मैं एक सेकेंड बस मैं दिखा दूँ, फिर हम कॉलर लेंगे कॉलर, फिर आप ये देखें जी ये हो रहा है। अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये मेरे पास जो मसाला हमने तैयार किया था ये हम इसके अंदर शामिल करने जा रहे हैं। ये क्या सारा मसाला दही के साथ, और अब इसको हम भूनेंगे, भूनने के बाद ये मैं यखनी डाल दूंगी इसके अंदर, चिकन स्टॉक। अब आपका यखनी या चिकन स्टॉक जैसे भी आप कह सकते हैं। आप ब्रेक का क्या करें ना, लें ब्रेक भी लेंगे। अच्छा, ये चावल मेरे पास रखे हुए हैं, ये देखिए मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ, और साथ ही मैं इसमें राइस शामिल करी ताकि हमारे राइस हो जाए, क्योंकि अभी हमें एक रेसिपी और भी करनी है। ये गैस में राइस, इसके अंदर अगर पानी है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये देखिए पानी की ज़रूरत चुके थी इसको, ओके ये बात। अब इसको हम कुक करेंगे, चाहे तो थोड़ा सा आप इसमें केवरेसेंस शामिल कर सकते, बट मैंने ही नहीं डाला क्योंकि आप पुलाव बिरयानी मसाला जो होता है उसमें ऑलरेडी खासी खुशबुआत शामिल होती हैं, इसलिए मैंने डाल ली। थोड़ा सा येलो फूड कलर पानी में डिजॉल्व करके रखेंगे, एंड में थोड़ा सा डाल देंगे, ठीक है। तो इसको मैं कवर करती हूँ, हाँ, और इसको कुक होने देते हैं बस, तो अब ब्रेक्स ना हो। और मुझे लग रहा है कॉलर जी, कॉलर से अब हम इसमें ये येलो फूड कलर डालेंगे थोड़ा सा, ये बहुत ज़्यादा है, इतना मत डालिएगा आप लोग, ये मैं डालूँगी एक साइड पर। चलो जी ये चला गया, ये 1/4 टीस्पून से भी कम था, और उसको पानी में आप डिजॉल्व कर ले और उसके बाद इसमें डाल दीजिए। ये चला गया दम पे, और